Assalamu alaikum, welcome dear students. Class 5th English textbook hum pad rahe hain. To the idiot box is tarah humne yahan tak padha tha ki jo ek bachcha hota hai, ek boy hota hai, ek ladka hota hai ki yani wo kis tarah apne aap ko qaid karke rakhta hai is idiot box yani television ke dabbe ke sath. तो फिर कि वो अपनी जो उसकी फिज़िकल ग्रोथ है या जो उसकी मेंटल ग्रोथ है तो वो उस एतबार से नहीं हो पाती है, क्योंकि जब वो बाहर निकलता ही नहीं है तो बाहर रेल में कुछ गेम खेले या कुछ और चीज़ यानी बाहर एंजॉय करे नहीं, बल्कि वो सिर्फ क्या रिमोट कंट्रोल हाथ में रखे हुए और टेलीविज़न के साथ ही यानी अपनी वक्त गुजारी करता है. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे. He hasn't seen a mountain, a flower garden, and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. He doesn't turn the leaves of a picture box or comics. He changes the channels to suit his shifting moods. हाँ, तो क्या क्या कहता है शायर जो पोइट है. ही हैज़न्ट सीन अ माउंटेन, अ फ्लावर गार्डन एंड अ वाटरफॉल. जब वो अपने आप को कैद करके रखता है उस डिब्बे के साथ जो जिसे पोइट ने एडियट बॉक्स का नाम दिया है यानी टेलीविज़न के साथ, तो वो नहीं देखता है माउंटेन्स, ये पहाड़, ये फूल, ये नज़ारे, ये आबिशार, ये जो नेचर में चीज़ें हैं, तो वो इन चीज़ों से नाफलत नावाक़ होता है. उन चीज़ों को वो देख नहीं सकता. जब उसने देखी ही नहीं ये चीज़ें, तो जब उसकी खुशी, वो अपने आप को खुश करना चाहता है, तो वो हंसता है. तो किस तरह हंसता है? जब वो एक अनट्रू मैन फ्लाई ओवर अ हिल, कि जब वो एक यानी अनट्रू, एक फॉल्स, जो एक गैर हकीकी इंसान को देखता है कि पहाड़ों के ऊपर से वो उड़ रहा है इस टेलीविज़न के बॉक्स में, यानी वो जो फिल्मी अंदाज में फरमाई गई वो यानी या जो कार्टून्स हैं, वो उनको देखता है और फिर वो हंसता है. यानी वो अपने आप को बाहर की चीज़ों से पता ही नहीं है कि बाहर क्या है, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी, कितनी खूबसूरत दुनिया इस अल्लाह ने बनाई है, लेकिन उसने अपने आप को कैद उस टेलीविज़न के डिब्बे के साथ करके रखा है. वो अपने यानी अपने ही आप से हंसता है, ये बातें करता है. ही डजंट टर्न द लीव्स ऑफ ए पिक्चर बॉक्स और कॉमिक्स. कभी वो इतना मस्त है अपनी ज़िंदगी में कि कभी पिक्चर बॉक्स या जो बच्चों के लिए यानी है ना नक्शो नगार की तस्वीरी वो किताबें आती हैं, कभी वो भी नहीं देखता है. या जो कॉमिक्स वो हंसाने वाले है ना कार्टून वगैरह, उसकी जो किताबें या उसकी जो बुक्स होती हैं बच्चों के लिए, यानी उससे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो उनको देखे, है ना, कि वो वहाँ वो लुत्फ, वो उसके साथ कैसा लुत्फ़ है, कैसा मज़ा है कि नहीं, उससे इन चीज़ों का पता ही नहीं है. हाँ, ही चेंजेस द चैनल्स टू सूट हिज शिफ्टिंग मूड्स. तो वो जब उसका मूड थोड़ा ख़राब होता है तो अपने मूड को सूट कर दिल है ना उसको दुरुस्त करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, वो बस चैनल्स को, जो टेलीविज़न पे जो चैनल आते हैं वो उनको अदलता बदलता है, कभी एक को कभी दूसरे पे, है ना, क्योंकि वो बोर हो जाती है लाइफ उसकी, कि इस तरह एक वो इडियट बॉक्स के साथ रह रह के नहीं अंदर कैद कर करके. तो अब वो अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है? कभी ये चैनल बदला, कभी वो चैनल बदला, है ना. तो इसलिए असल में क्या है कि जब बाहर वो जाता है ना, बाहर औरों से मिलता, फिर इस कायनात को देखता, इस यूनिवर्स को देखता, हिल्स को, माउंटेन्स को, फ्लावर्स को, गार्डन्स को, है ना, वाटरफॉल्स को, है, वेलीज को, स्काई, स्टार्स को देखता, तो उसका दिल इधर उधर हो जाता, है ना, उसके दिल में एक खुशी एक आती. लेकिन नहीं, उसने अपने आप को इस गैर हकीकी अनट्रू थिंग्स के साथ कैद कर रखा है. तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, है ना. हमें ये सबक दिया जा रहा है कि नहीं, हमें यानी ये किसी चीज़ जो एडिक्शन है, बुरी लत है, बुरी आदत है, वो ठीक नहीं है, है ना. किसी चीज़ का ही बस है ना
इसी मोबाइल ही का कीड़ा बन जाना, टेलीविजन ही का कीड़ा बन जाना, खेलकूद का ही कीड़ा बन जाना, उसी के साथ लगे रहना नहीं, बल्कि क्या हमें अपनी ज़िंदगी का एक असूल, एक फ्रेम, एक टाइम टेबल बनाना है, किसको कितना वक्त देना है, कैसे कितना, तो ठीक है ना, इस तरह हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।